मुंबई गुजरात हाईवे की आज हालत बेहद खराब है। ट्रैफिक जाम से जनता परेशान है। पिछले 3-4 घंटे से ट्रैफिक जाम है और जो लोग गए हैं वो काफी परेशान है, क्योंकि ट्रैफिक जाम की परिस्थिति ऐसी है कि अगले 2-3 घंटों तक उन्हें राहत नहीं मिलने वाली है। एक घटना हुई है वसई फाटा और चिंचोड़ी फाटा के बीच में, गोल्डन चैरियट होटल और वहां पे डी मार्ट आता है वसई की तरफ से। जब आप मुंबई की तरफ जाते हैं वहां पे एक हाइड्रोजन सिलेंडर से भरा हुआ जो ट्रक है वो डिवाइडर से टकरा कर नीचे पलट गया है और उसके बाद घर्षण के बाद उस ट्रक में आग लग गई और इस परिस्थिति से वहां पे अफरा तफरी मच गई। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन बता दें आपको कि इस पूरे घटनाक्रम में वाहनों की लंबी कतार लग गई, क्योंकि वहां पे लोगों में डर फैल गया कि हो सकता है ये सिलेंडर्स फटने ना शुरू हो जाए। हाइड्रोजन सिलेंडर से भरी गाड़ी जब पलटी उसी समय आग लगी और लोगों में डर फैल गया और तुरंत प्रशासनिक कर्मचारी आए और उन्होंने आग पर काबू पाना शुरू किया है। बता दें आपको कि इस पूरे घटनाक्रम में वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अगर आप हाईवे की तरफ जा रहे हैं आज यानी शनिवार 3 अगस्त को, तो कृपया वहां यात्रा ना करें, क्योंकि प्रशासन ने गुजारिश की है कि मुंबई गुजरात हाईवे ठाणे मुंबई घोड़बंदर जहां भी आप ट्रेवल करना चाह रहे हैं आज अवॉइड करें, उस रास्ते का उपयोग ना करें, क्योंकि अगले 3-4 घंटे तक ये परिस्थिति अभी बदलने वाली नहीं है।